रेप मामले में दो सह आरोपियों के बरी होने के बावजूद आसाराम को आजन्म कारावास की सजा से कानून की ताकत बुलंद हुई है। अनेक अपराधियों को अदालतों से सजा मिलती रही है, पर आसाराम का मामला कई मामलों में अनोखा है। निर्भया मामले के बाद सख्त कानूनों के तहत आसाराम को आजन्म कारावास की सजा, आसाराम के खिलाफ IPC की धारा 342, 354 ए, 374, 376, 506, 509, 120 बी के अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 23 एवं 26 SC/ST कानून तथा पास्को एक्ट की धारा 7 और 8 के तहत मामले दर्ज हुए थे। निर्भया मामले के बाद 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लागू होने के बाद आसाराम के खिलाफ 376D और पास्को कानून की नई धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था। नए कानून के तहत आसाराम को सजा भारतीय न्याय व्यवस्था के अकादमिक इतिहास के एक नया मील का पत्थर साबित हो सकती है। नए कानून के तहत आसाराम को सजा भारतीय न्याय व्यवस्था के अकादमिक इतिहास में एक नया मील का पत्थर साबित हो सकती है।